अबे अपने शहर में ऐसा आइटम? सही यार, मेरा तो दिल आ गया इस पे यार। चल एक ट्राई मारते हैं। बहन जी, हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। जो सांची ने आप लोगों के साथ व्यवहार किया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अच्छा, चलते हैं। रुको, ऐसे कैसे चल दिए? आगे का कौन बोलेगा? हमारा मतलब है कि इतने से काम ना चलेगा। कि तो ये बात हुई, किसी को मार के कुछ दो और फिर मुंह में चाशनी खोल के बोलो हमें माफ कर दो। अरे अपनी बिटिया को संभालो। वो हमरी तो कुछ समझे में नहीं आ रहा, करे काम लड़की हमरे हाथे से निकली चली जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं ठीक हो जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कर तो कुछ हो नहीं सकते है ना। अरे अभी ना निकली है, ये तो पहले से ही ऐसी होगी। ये तो अब जाके भेद खुल रहा है। उनका सराफत का पर्दा फास हुआ है। पहले सती सावित्री होने की नौटंकी कर रही थी और अब बदतमीज, बेशरम, बेहया। भाई लगता है अपना ही इंतजार कर रही है ये। अपनी तो शाम बन गई भाई। कितना टाइम हो गया है, कहाँ रह गई हो माँ आप? भाई लगता है अपनी तरफ आ रही है ये। क्या बताएं बहन जी आपको, सांची की वजह से हमको अपना पुराना शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हम सोचे कि शहर नया है, यहाँ सब ठीक से रहेगी, कोनो परेशानी नहीं खड़ी करेगी हम लोगों के लिए तो लेकिन अब देखिए ना, यहाँ भी हम लोगों को परेशानी कर रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये शहर भी हमको छोड़ना पड़ जाए। अकेली कहाँ जा रही हो? घूमने का इतना ही शौक है तो चलो हमारे साथ थोड़ी सी मस्ती कर लो। अरे वेट, हम तुम्हें जन्नत की सैर कराना चाहते हैं और तुम भागे चली जा रही हो। बस करो तुम भी, अब पानी पर डंडा पटकने से कुछ नहीं होगा। कुछ करो तिवारी जी, नहीं तो पानी पर डंडा पटकोगे और नदी बह जाएगी। कहना चाह रही हैं आप राधा रानी, अभी तो समझे में नहीं आ रहा। हम तो ये कहेंगे मालती जी से जाके मिलिए, प्रेम बढ़ाइए उनसे। अरे अपने आप ही पता लग जाएगा काहे आई थी हूँ यहाँ पर। और एक बार आप मालती जी से मिल लेंगे ना जी, तो इंदुआ को सचिया से मिलने से भी रोकेगी। और इंदुआ अगर अपने हाथ में आ गया तो फिर उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं।